इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों की रिहाई के दूसरे मरहले की इसराइल ने ताखीर के बाद रात गए मजीद 39 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। हिलाल अहमर की गाड़ियों के जरिए रामुल्ला पहुंचाया गया। हमास ने भी मजीद 17 यरगमालियों को रिहा करने की फुटेज जारी कर दी। 13 इसराइली और 4 थाई यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले किए गए। दूसरे इसराइली ग्रुप में 5 खवातीन और 8 बच्चे शामिल हैं। फुटेज में अल कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं को यरगमाली को रेड क्रॉस के हवाले करते हुए देखा जा सकता है। इस मौके पर यरगमाली खुश और मुतमईन दिखाई दिए। उन्होंने रिहाई पर अल कसाम ब्रिगेड का शुक्रिया भी अदा किया। यरगमालियों की रिहाई में रुकावट अमरीका, कतर और मिस्री कोशिशों से दूर हुई। मौके पर यरगमाली खुश और मुतमईन दिखाई दिए। उन्होंने रिहाई पर अल कसाम ब्रिगेड का शुक्रिया भी अदा किया। यरगमालियों की रिहाई में रुकावट अमरीका, कतर और मिस्री कोशिशों से दूर हुई। आपको बता रहे हैं फलस्तीन ने कैदियों की रिहाई करवा ली है। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों की रिहाई के दूसरे मरहले की इसराइल ने ताखीर के बाद रात गए मजीद 39 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए हैं। हिलाल अहमर की गाड़ियों के जरिए रामल्ला पहुंचाया गया। हमास ने भी मजीद 17 यरगमालियों को रिहा करने की फुटेज जारी कर दी।